बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान नजर आने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही सितारे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में जमकर बिजी चल रहे हैं। ऐसे में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करने के लिए आमिर खान और करीना कपूर खान जल्द ही करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आने वाले हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने इस बात का इशारा दे ही दिया है कि वो जल्द ही करण जौहर के टॉक शो यानी कि कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आएंगे। हाल ही में एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो ब्लैक कलर के खूबसूरत आउटफिट में कातिलाना अंदाज में नजर आ रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मुझे मेरी कॉफी ब्लैक पसंद है। अब करीना के इस पोस्ट के बाद बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो करण जौहर के शो में नजर आएंगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर खूब बिजी चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये दोनों सितारे कॉफी विद करण सीजन 7 में आने वाले हैं तो यकीनन यहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े भी कई राज खोलते हुए दिखाई देंगे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो ये टॉम हैंक्स के फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद भी आया है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप आमिर खान और करीना कपूर खान को कॉफी विद करण सीजन 7 में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आमिर सर, सर या लाइट नहीं है।